जननी जन्मभूमि। प्रश्न एक, निम्नलिखित प्रश्न के उत्तर लगभग 2-3 वाक्य में दीजिए। प्रश्न क, इस दुनिया को विचित्र क्यों कहा जाएगा? उत्तर, इस दुनिया में पहाड़, घने जंगल, नदियां, झरने, सागर, विभिन्न प्रकार के पेड़ पौधे, पशु पक्षी और नर नारी है। दुनिया विविधता का भंडार है, इस कारण दुनिया को विचित्र कहा गया है। प्रश्न ख, दुनिया बदलती है, इसका क्या प्रमाण है? उत्तर, संसार में ऋतुएं बदलती है, मौसम बदलता है, कभी सर्दी तो कभी गर्मी तो कभी सुहाना मौसम। कहीं हरी भरी फसल है तो कहीं अकाल पड़ जाता है, कहीं अमीरी है तो कहीं गरीबी, कभी सुख है तो कभी दुख। इन सब से यह प्रमाणित होता है कि दुनिया बदलती है। प्रश्न ग, कलिंग साहसिका ऐसा क्यों कहा गया है? उत्तर, कलिंग युद्ध में कलिंग के वीरों ने विशाल गगध सेना के दांत खट्टे कर दिए, सम्राट अशोक का डटकर मुकाबला किया, अपनी मातृभूमि की रक्षा के लिए लाखों की संख्या में शहीद हो गए। उनके ऐसे बलिदान को देखकर कहा गया कि कलिंग साहसिका। प्रश्न घ, धर्माशोक ने क्या किया? उत्तर, धर्माशोक ने युद्ध त्याग दिया और तलवार फेंक दी। उसने मानव प्रेम और अहिंसा की नीति अपनाई। प्रश्न ओ, वीरत्व की कहानी आगे कैसे बढ़ी? उत्तर, वीरत्व की कहानी में आगे कलिंग सम्राट खारवेल आते हैं। उन्होंने गगध पर आक्रमण करके उसे पराजित किया व कलिंग जिन को विजय प्रतीक के रूप में वापस लेकर आते हैं। प्रश्न च, धौली के शिलालेख में क्या लिखा है? उत्तर, धौली में अशोक के द्वारा स्थापित शिलालेख है जिनमें कलिंग युद्ध के नरसंहार, सबके हृदय परिवर्तन और फिर युद्ध त्याग कर अहिंसा की नीति अपनाने का वर्णन है। प्रश्न छ, उत्कल का क्या अर्थ है? उत्तर, उत्कल का अर्थ उत्कृष्ट, कलाओं का देश। प्रश्न ज, ओडिशा के मंदिर अजूबे क्यों है? उत्तर, प्राचीन होने पर भी ये मंदिर आज भी सिर ऊंचा किए खड़े हैं। इनमें मनमुग्ध करने वाले विभिन्न भंगिमाओं वाले नृत्यकियों की हजारों मूर्तियां हैं। हाथी, घोड़े, पहिए, कलम से युक्त रथ के आकार के विशाल मंदिर बहुत मनमोहक है, इसलिए ये अजूबे है। प्रश्न झ, ओडिशा के बनिए क्या करते थे? उत्तर, ओडिशा के बनिए का सुदूर पूर्वी द्वीपों से व्यापार होता था। वह नौकाओं में बैठकर समुद्र की तरंग पर नाच नाच कर जाते थे और धन रत्नों से नौकाएं भरकर घर लौटते थे। वह ना तूफान से डरते थे और ना समुद्र से। प्रश्न नियो, मधुसूदन ने क्या किया? उत्तर, मधुसूदन ने सोए हुए ओडिशा वासियों को जगाया और उन्हें पुकारा है, उत्कल के सपूतों, अपने पुराने गौरव को याद करो। तुम्हारा गंगा से गोदावरी तक का साम्राज्य टूटकर बिखर गया है, तुम दरिद्र हो गए हो। अब या तो फिर से वह गौरव प्राप्त करो या मर जाओ। प्रश्न ट, मधुबाबू की पुकार सुनकर क्या हुआ? उत्तर, मधुबाबू की पुकार सुनकर ओडिशा वासी जागे। इसका नतीजा यह हुआ कि अप्रैल
1936 ईस्वी को स्वतंत्र ओडिशा प्रदेश बना। अनेक ज्ञानी नेताओं ने प्रदेश के नव निर्माण का दायित्व संभाला। प्रश्न ठ, ओडिशा ने कैसे प्रगति की? उत्तर, ओडिशा में उत्कल विश्वविद्यालय और बहुत से स्कूल कॉलेज की स्थापना हुई। इंजीनियरिंग और मेडिकल कॉलेज खुले। नई तकनीकी शिक्षा लागू हुई। इन संस्थाओं ने कुछ वर्षों में सुयोग्य कर्मियों का निर्माण किया, जिन्होंने प्रदेश की प्रगति में योगदान दिया। प्रश्न ड, ओडिशा आज पीछे नहीं है, क्या प्रमाण है? उत्तर, हीराकुद बांध बनने से सिंचाई की सुविधा हुई है और उत्पादन बढ़ा। राउरकेला से लोहा उत्पादन हुआ। सुनाबेड़ा में हवाई जहाज बने। पारादीप में समुद्री व्यापार बढ़ाया। चांदीपुर और बड़माल में रक्षा सामग्री बनने लगी। ये सब ओडिशा के पीछे ना होने के प्रमाण है। नंबर दो, इन प्रश्न के उत्तर एक दो वाक्य में दीजिए। प्रश्न का, संसार निराला क्यों है? उत्तर, संसार अपने विविधता के कारण निराला है। प्रश्न ख, संसार बदलता है, इसके क्या प्रमाण है? उत्तर, मौसम और ऋतुओं का बदलना, कभी हरियाली तो कभी अकल पड़ना और कभी सुख तो कभी दुख आना आदि संसार के बदलते रहने के प्रमाण है। प्रश्न ग, आदमी के जीवन का क्या इतिहास है? उत्तर, मनुष्य क्षणिक सुख की तलाश में अंधेरों, बाधाओं और प्रकृति से लड़ता है। इसके ये प्रचंड जिज्ञासा उसके उत्थान पतन की कहानी है, उसके जीवन का इतिहास है। प्रश्न घ, कलिंग की ख्याति क्यों बढ़ी? उत्तर, कलिंग वासियों के साहस, वीरता और जन्मभूमि पर मर मिटने की चाहत के कारण कलिंग की ख्याति बढ़ी। प्रश्न ओ, धौली के शिलालेख क्या कहते हैं? उत्तर, धौली के शिलालेख कलिंग युद्ध, चंडाशोक के धर्माशोक बन जाने और इसके द्वारा मानव प्रेम और अहिंसा को अपनाने का बयान करते हैं। प्रश्न च, बख्शी जगबंधु आदि ने क्या किया? उत्तर, बख्शी जगबंधु आदि कलिंग के साहसी सपूतों ने अंग्रेजों को चैन की सांस नहीं लेने दी। इन लोगों ने प्राण त्याग दिए मगर अन्याय नहीं सहा। प्रश्न छ, कौन से मूर्तियां दुर्लभ है? उत्तर, ओडिशा के मंदिरों के विभिन्न भंगिमाओं वाली और मुग्ध करने वाली नारी की हजारों मूर्तियां दुर्लभ है। प्रश्न ज, चिलिका की क्या खासियत है? उत्तर, चिलिका झील तो सदा से उत्कल की लक्ष्मी का विलास सरोवर रही है। प्रश्न झ, मधुसूदन ने क्या किया? उत्तर, मधुसूदन ने सोए हुए ओडिशा वासियों को उनके प्राचीन गौरव की याद दिला कर जगाया। प्रश्न निय, ओडिशा वासियों ने मधुसूदन की पुकार सुनकर क्या किया? उत्तर, मधुबाबू की पुकार सुनकर ओडिशा वासी जागे और अप्रैल 1966 में स्वतंत्र ओडिशा प्रदेश बना। ओडिशा प्रदेश का नवनिर्माण किया। नंबर तीन, निम्नलिखित प्रश्न के उत्तर एक एक वाक्य में दीजिए।
प्रश्न क, निरखिर का विवेक किसके पास है? उत्तर, निरखिर का विवेक हंस के पास है। ख, आज सुहाना मौसम है तो कल कैसा हो जाता है? उत्तर, आज सुहाना मौसम है तो कल डरावना हो जाता है। प्रश्न ग, आदमी के जीवन का इतिहास क्या है? उत्तर, आदमी के उत्थान और पतन की कहानी उसके जीवन का इतिहास है। प्रश्न घ, प्रदेश के इतिहास में क्या क्या होता है? उत्तर, प्रदेश के इतिहास में उसके आशा आकांक्षा, खुश गम, सफलता विफलता, आलस्य चौकसी की लेखा जोखा रहता है। प्रश्न ओ, कलिंगवासी किसके नेतृत्व में लड़े? उत्तर, कलिंगवासियों की लड़ाई में ना राजा का पता था और ना ही सेनापति का। प्रश्न च, अशोक ने कौन सी नीति अपनाई? उत्तर, अशोक ने मानव प्रेम और अहिंसा की नीति अपनाई। प्रश्न छ, खंडगिरी की गुफाएं की किसका योगदान करती है? सॉरी, यशोगान। उत्तर, खंडगिरी की गुफाएं खारवेल का यशोगान करती है। प्रश्न ज, विदेशी पर्यटकों के लिए यह मंदिर कैसे है? उत्तर, विदेशी पर्यटकों के लिए यह मंदिर जादू के नमूने हैं। प्रश्न झ, यहाँ के माधव नौकाओं में क्या भर भर कर लौटते हैं? उत्तर, यहाँ के माधव नौकाओं में धन रत्न भर भर कर लौटते थे। प्रश्न नियो, स्वतंत्र ओडिशा प्रदेश कब बना? उत्तर, स्वतंत्र ओडिशा प्रदेश अप्रैल 1936 ईस्वी में बना। प्रश्न ट, देश के लिए आधुनिक रक्षा सामग्री कहाँ बनने लगी? उत्तर, देश के लिए आधुनिक रक्षा सामग्री चांदीपुर और बड़माल में बनने लगी। प्रश्न ठ, लोहे का उत्पादन कहाँ होने लगा? उत्तर, राउरकेला में लोहे का उत्पादन होने लगा। भाषा ज्ञान नंबर वन, इन मुहावरों के अर्थ समझिए। दांत खट्टे करना, पराजित करना, दिल दहलना, भयभीत करना, जान की बाजी लगाना, जान जोखिम में डालकर संघर्ष करना, धावा बोलना, आक्रमण करना, दिल भर आना, अत्यधिक दुखित होना, दाने दाने का मोहताज, अत्यधिक अभाव की स्थिति, बीड़ा उठाना, दायित्व संभालना। नंबर दो, ऐसे शब्द बनाइए। चिकना जुकता आई, चिकनाई, ढील जुकता आई, ढिलाई, सीधा जुकता आई, सिधाई, पंडित जुक्त आई, पंडिताई, भला जुक्त आई, भलाई, कमाना जुक्त आई, कमाई। नंबर तीन, विलम्ब शब्द लिखिए। स्थावर जंगम, जड़ चेतन, गुण दोष, सर्दी गर्मी,
खुशी, गम, सुख, दुख, अंधेरा, रोशनी, खुशहाली, बदहाल, उत्थान, पतन, बढ़िया, घटिया, वीर, कायर, युद्ध, शांति, अहिंसा, हिंसा, सजीव, निर्जीव, बड़ा, छोटा। नंबर 4, पर्यायवाची शब्द जानिए। आदमी का मनुष्य, मानव, प्राण, जान, युद्ध का लड़ाई, जंग, जरिए का मध्यम से, प्रांत, प्रदेश, राज्य, नाव, नौका, नया, मौसम का ऋतु, पन्ना का पृष्ठ, अमूल्य, अनमोल, बहुमूल्य, दीप, टापू, पैसा, धंधा, जीविका, काम, किस्मत, भाग्य, तकदीर। नंबर 5, निम्न शब्दों के लिंग बताइए। संसार, पुलिंग, पहाड़, पुलिंग, नदी, स्त्रीलिंग, पौधा, पुलिंग, पक्षी, पुलिंग, विवेक, पुलिंग, दूध, पुलिंग, पानी, पुलिंग, गर्मी, स्त्रीलिंग, सर्दी, स्त्रीलिंग, फसल, स्त्रीलिंग, अनाज, पुलिंग, दुख, पुलिंग, दर्द, पुलिंग, सूखा, पुलिंग, अकल, पुलिंग, खुशहाली, स्त्रीलिंग, चांदनी, स्त्रीलिंग, खुशी, स्त्रीलिंग, नम, स्त्रीलिंग, अमीरी, स्त्रीलिंग, गरीबी, स्त्रीलिंग, जीवन, पुलिंग, जिंदगी, स्त्रीलिंग, सुहाना, पुलिंग, अंधेरी, स्त्रीलिंग, रात, स्त्रीलिंग, दिन, पुलिंग, मुकाबला, पुलिंग, पन्ना, पुलिंग, प्राण, पुलिंग, जान, स्त्रीलिंग, दीपक, पुलिंग, इतिहास, पुलिंग। साम्राज्य, पुलिंग, आजादी, स्त्रीलिंग, बिजली, स्त्रीलिंग, कारखाना, पुलिंग, शिक्षा, स्त्रीलिंग, नाम, पुलिंग। नंबर 6, निम्न शब्द के वचन बदलिए। नदिया, नदी, झरने, झरना, पौधे, पौधा, पन्ने, पन्ना, मुकाबला, मुकाबले, जान, जाने, धारा, धाराएं, हाथी, हाथी, मूर्तियां, मूर्ति, सुई, सुइयां, वस्तु, वस्तुएं, जहाज, जहाज।
दाना दाने, बहन बहने, भाई भाई, देशवासी देशवासियों, सुविधा सुविधाएं, कंपनी कंपनियां, चुनौती चुनौतियां। नंबर 7, कोष्ठक में से सही क्रियापद चुनकर वाक्य को पूरा कीजिए। क कलकल करके नदिया, बहती बहती है। ख हंस ने दूध पिया। ग कलिंगवासियों ने जाने दी पर जमीन नहीं दी। घ अशोक ने युद्ध छोड़ शांति की नीति अपनाई। ओ लोगों ने प्राण दिए। च मधुसूदन ने इतिहास पढ़ा। छ अशोक ने वीरत्व की कहानी सुनी। ज पूर्वजों ने साम्राज्य बनाया। नंबर 8, पाठ में से ऐसे वाक्यांश ढूंढ निकालिए। अच्छी शिक्षा मिली, इस्पात कारखाना बसा, प्रगति में तेजी आई, ऋतुएं बदलती है, आशा से ही आकाश थमा है, सदियां बीत गई, अनेक स्कूल कॉलेज खुले, हीराकुद बांध बना। नंबर 10, पाठ में से सकर्मक और अकर्मक क्रिया को छांटिए। सकर्मक क्रिया, पीना कहना झेलना सहना छोड़ना पढ़ना चुनना रचना मिलना। अकर्मक क्रिया, बहना जीना उड़ना डरना बदलना झरना गरजना नाचना सरकना। नेक्स्ट नंबर, इन क्रियाओं के प्रणार्थ रूप लिखिए। डरना डराना डरवाना, बहना बहाना बहवाना, पढ़ना पढ़ाना पढ़वाना, बनना बनाना बनवाना, करना कराना करवाना, मनना मनाना मनवाना। नंबर 12, ऐसे शब्द बनाइए। सुहावना डरावना, गौरवशाली शक्तिशाली, तरंगमाला मणिमाला, जिजीविषा मंजूषा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।